जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर तीसरे स्कंद का 13वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनी 13वें अध्याय में हरि ने धरा नर वारह स्वरूप पृथ्वी कर उदार जिमे वर्णन सभी अनूप। सुनिए, ऋषि वर मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, ब्रह्मा जी ने स्वयं भू मनु को तो तप करने की आज्ञा दी और स्वयं पृथ्वी के उदाहरण होने की इच्छा से उसी समय भगवान विष्णु आराधन कर विविध स्तुतियां करने लगे। हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। मैं तो आपकी ही आज्ञा अनुसार सृष्टि रचने में तत्पर हुआ हूँ और कुछ सृष्टि तो मैंने रच दी है और विशेष कुछ रचना चाहता हूँ। किंतु हे प्रभु, अब तक की रची हुई सृष्टि तो मेरे कमल फूल पर ही निवास कर रही है और फिर विशेष सृष्टि होने पर वह कहाँ रहेगी? कारण कि चारों तरफ समुद्र जल भरा हुआ है, पृथ्वी जो जल में डूबी हुई है उसका अति शीघ्र उद्धारण कीजिए, जिससे अनंत प्रजा उस पर निवास करे। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान विष्णु उनको ध्यान में दर्शन देते हुए बोले, हे चतुरानन, तुम किसी प्रकार की चिंता न करो। मैं अपना बाह्य अवतार धारण कर हिरण्याक्ष दैत्य को मार कर पाताल लोक से शीघ्र ही पृथ्वी को ऊपर उठा लाऊंगा। देखो, दैत्य हिरण्याक्ष पृथ्वी के गोला को उठा कर नीचे जल में ले गया है, इसकी कोई चिंता नहीं। तुम सृष्टि रचने का कार्य मत रोको, तुम्हारा इसी में कल्याण है। ऐसा कह कर भगवान विष्णु ही ध्यान से अदृश्य हो गए। तब फिर ब्रह्मा जी के मन को संतोष हुआ और अत्यंत प्रसन्न होते हुए उसी कमल पर स्थिर बैठे रहे। हे विदुर, इसी अवसर पर परमात्मा की कृपा से कमल फूल पर बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी को अचानक एक छींक हुई और उस छींक के साथ साथ उनकी नाक के दाहिने छिद्र से एक अत्यंत छोटा सा मच्छर की देह के समान वारह शुक्र नीचे जल में जा गिरा। इसके पीछे वह कुछ ही देर में अपनी देह को बढ़ाता हुआ हाथी के समान देह वाला हो गया। तब ब्रह्मा जी भयातुर होते हुए विचरने लगे कि यह ऐसा विचित्र कौन जीव है जो शीघ्र ही अपनी छोटी देह से इतनी लंबी चौड़ी देह वाला हो गया है। ध्यान से विचार करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि श्री विष्णु भगवान ने पाताल लोक से पृथ्वी लाने के लिए इस प्रकार अपना वारह अवतार धारण किया है। ऐसा जानकर वे श्री वारह भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भक्त वत्सल, हे जगदीश्वर, आपने संसारी जीवों के कल्याण के हित पृथ्वी लाने के लिए जो वारह अवतार धारण किया है यह आपकी ही सामर्थ्य है। हे विदुर, फिर वारह भगवान जल में प्रवेश होते हुए पाताल लोक में पहुंचे और वहां उन्होंने पृथ्वी को पड़ी हुई देखा, किंतु दैत्य हिरण्याक्ष को न देखा। 52 करोड़ योजन की थी, तब शीघ्र ही उन्होंने अपने तीखे लंबे दांतों पर उस पृथ्वी को इस प्रकार उठा लिया जैसे कोई मत वाला हाथी एक कमल के फूल को अपनी सूंड से तोड़कर
सहसा अपने दांतों पर रख लेता है। भगवान वारह अपने दांतों पर उस पृथ्वी को रख कर ऊपर को आ रहे हैं। दैत्य हिरण्याक्ष से मिला, वह अत्यंत बलवान दैत्य था, उससे देवता भी भय मानते थे। जब उसने वारह जी को पृथ्वी उठा कर ऊपर लाते देखा, तब क्रोधित होकर उनसे मल युद्ध करने लगा, किंतु भगवान ने उसका वहीं देहांत कर दिया और उस पृथ्वी को शीघ्र पानी से ऊपर ले आए। पृथ्वी को आई देखकर ब्रह्मा जी की प्रसन्नता का पारावार न रहा और उनके चरण कमलों में अपने मस्तक को रखकर विनीत प्रार्थना करने लगे। हे प्रभु, आप इस पृथ्वी को तो उठा लाए, अब इसे जल ही पर किसी प्रकार स्थिर रखने का उपाय विचारिए, जिससे समस्त जीव प्रमोद के साथ पृथ्वी पर निवास करे और यज्ञ होम आदि करें। श्री वारह भगवान ने ब्रह्मा जी के कथा अनुसार उस पृथ्वी को जल के ऊपर स्थिर कर रख दिया। तब ब्रह्मा जी से जो वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि उत्पन्न हुए थे, सभी वारह भगवान की दिव्य स्तुति करने लगे। इनके पीछे भगवान वारह तो वहां ही अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी पर समस्त ऋषि मुनि आदि होम आदि करने लगे। हे विदुर, मैंने संक्षेप से वारह अवतार की कथा तुमको सुनाई है। इसके सुनने मात्र से ही मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 13वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 14वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण और सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।